फायरिंग की आवाज़ आई जी। तो हम और सर मेरे साथ हम आगे गए तो हमने देखा कि सर एक जो फर्स्ट घर था जो हमारे विजुअल के सबसे पहले था रोड के पास था तो वहाँ पे बाहर आग जली थी और सर वहाँ पे डेड बॉडीज मतलब ऑलमोस्ट सर वो डेड डिक्लेयर ही थे जो मतलब सामने विजुअल से लग रहा था। तो वो हमने सर फिर वहाँ पे जाके एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर पुलिस चौकी में फ़ोन किया। तो जो डांगरी इलाके में जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ है उस पूरी अपडेट को लेकर मैं इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। ये वो इलाका है डांगरी चौक में हम खड़े हैं। इस पूरे इलाके में कॉटन देख सकते हैं, फोर्सेस जो आ चुकी है यहाँ पे और आर्मी जो है वो इस पूरे इलाके को आर्मी ने कॉटन कर दिया है। ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ है आज देर शाम जो है राजौरी के डांगरी में जो है ओपन फायरिंग की जाती है। मकामी लोगों के मुताबिक ये मिलिटेंट अटैक है और इस पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी जैसा माहौल है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त मौके पर हमारे साथ यहाँ के मकामी वो ऐसा नौजवान मौजूद है जो चश्मदीद है, जिसने उन तमाम तर लोगों को अपने हाथों से उठाकर जो है यहाँ से बाहर निकाला है। क्या माहौल था सर, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या कहेंगे इस पूरे इंसिडेंट? सर हम पीछे ही थे पहले खड़े तो हमें जस्ट फायरिंग की आवाज़ आई तो हम और सर मेरे साथ हम आगे गए तो हमने देखा कि सर एक जो फर्स्ट घर था जो हमारे विजुअल के सबसे पहले था रोड के पास था तो वहाँ पे बाहर आग जली थी और सर वहाँ पे डेड बॉडीज मतलब ऑलमोस्ट सर वो डेड डिक्लेयर ही थे जो मतलब सामने विजुअल से लग रहा था। तो वो हमने सर फिर वहाँ पे जाके एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर पुलिस चौकी में फ़ोन किया। तो मतलब तो फिर देन उसके बाद सर मतलब आर्मी को भी उन्होंने कॉल किया, फिर देन उसके बाद सर आर्मी आई आगे जी। ये जो इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक जो वो घर है जिस घर में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है उस घर में अब तलाशी अभियान जो है वो बादस्तूर जारी है, जहाँ पर अभी फोर्सेज की तरफ से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फिलहाल ये मकामी नौजवान है, इन्होंने अपने हाथों से जो है मैं आप ये बता देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो खून से लथपथ इनके हाथ हैं। और बताया भी जा रहा है कि वहाँ पर जो घर है घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खून भी पड़ा हुआ है, क्योंकि 3 लोगों की मौका पर ही मौत हो गई है और 5 से 7 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, छोटा बच्चा भी है, जिनका इलाज इस वक्त GMC एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में चल रहा है। ये डांगरी चौक का इलाका है, इस वक्त सनसान एरिया है, जहाँ इस पूरे एरिया को जो है आर्मी ने कॉर्डन कर दिया है और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ दीगर सेना के आला ऑफिसरान भी इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। और क्या था रुक जाओ बस। हेलो, स्टेट लाइन के लिए राजौरी से आज़ाद।